दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय थिंद आई हॉस्पिटल पठानकोट। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने उपमंडल मुख्यालय में 11 करोड़ की लागत से बनने वाले न्यायिक परिसर का शिलान्यास किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय न्यायाधीश संदीप शर्मा ने की। शिलान्यास के पश्चात कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता SP जोगोता ने यहाँ बनने वाले भवन के बारे में बताया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेश शर्मा, अर्की न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत नेगी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तुलसी राम ठाकुर, SDM शहजाद आलम, DSP प्रताप ठाकुर, अनुज गुप्ता और रवि कपूर आदि मौजूद रहे। 25 जुलाई 2021 को अर्की में जुडिशियल कोर्ट कम्प्लेक्स का शिलान्यास एक्टिंग चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के द्वारा किया गया। इस बिल्डिंग की कॉस्ट लगभग 11 करोड़ है। इस बिल्डिंग का एरिया लगभग 3000 स्क्वायर मीटर है। इस बिल्डिंग में प्रोविज़न 3 कोर्ट्स का किया गया है, बार रूम का किया गया है, पार्किंग, ओपन पार्किंग, जजेस पार्किंग और 2 लिफ्ट्स का इसमें प्रोविज़न किया गया है। इसके अवार्ड होने के बाद इसकी कंप्लीशन टाइमिंग लगभग 1.5 से 2 साल होगी। थैंक यू। दिव्य हिमाचल TV के लिए अर्की से अजय गुप्ता की रिपोर्ट।